सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। 2002 के गुजरात दंगों और गोधरा कांड की फाइनल रिपोर्ट यानी जस्टिस नानावती मेहता कमीशन की फाइनल रिपोर्ट गुजरात विधानसभा में आज टेबल कर दी गई है, सार्वजनिक कर दी गई है। और आपको बता दें कि उस वक्त के मुख्यमंत्री 2002 के वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो नरेंद्र मोदी और उनकी उस वक्त की पूरी सरकार को इस रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई है। और ये बताया गया है कि सरकार, उस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार जो गुजरात में थी, इस सरकार ने दंगों को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किए, भरसक प्रयास किए, किसी भी तरह से किसी भी मंत्री मुख्यमंत्री या सरकार के द्वारा इन दंगों को उकसाने का कोई भी साक्ष्य कोई भी सबूत नहीं मिला है। आपको बता दें कि जस्टिस नानावती मेहता कमीशन की ये जो रिपोर्ट है, इसकी प्राइमरी रिपोर्ट 2009 में ही गुजरात विधानसभा में रखी गई थी, लेकिन उसके बाद फाइनल रिपोर्ट जो 2014 में आई, उस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे देश के और आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री बन चुकी थी, तब से ये रिपोर्ट सरकार के पास थी, गुजरात सरकार के पास थी, लेकिन इसको सार्वजनिक नहीं किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि गुजरात के ही एक पूर्व आईपीएस अधिकारी और पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार ने हाईकोर्ट में एक याचिका डाली थी और ये कहा था कि जस्टिस नानावती मेहता कमीशन की जो रिपोर्ट है ये सार्वजनिक की जानी चाहिए, ये विधानसभा में रखी जानी चाहिए, सार्वजनिक की जानी चाहिए, जनता के बीच आनी चाहिए, ताकि ये पता चले कि गुजरात दंगों में 2002 में जो दंगे हुए, गोधरा कांड जो हुआ, उसकी हकीकत क्या है, क्या हुआ उस वक्त, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व रहे और किसने इसकी साजिश रची। और उसके बाद गुजरात सरकार ने इसी साल सितंबर में हाईकोर्ट से ये कहा था कि जैसे ही पहली विधानसभा सेशन इसके बाद शुरू होंगे, उस वक्त ये रिपोर्ट जो है वो रखी जाएगी और सार्वजनिक की जाएगी। और इसी क्रम में इस रिपोर्ट को, नानावती मेहता कमीशन की रिपोर्ट को, आज वहाँ गुजरात विधानसभा में रखा गया है और सार्वजनिक किया गया है। लगभग 1500 पन्नों की ये रिपोर्ट बताई जा रही है और इस रिपोर्ट में साफ तौर पे उस समय की नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीन चिट दिया गया है। आपको बता दें कि 2002 में जब गोधरा कांड हुआ था, गोधरा में जो एक ट्रेन की बॉगी में आग लगाई गई थी और उसमें 59 कार सेवकों की मौत हुई थी, उसके बाद गुजरात में दंगे फैले थे और गोधरा कांड, चर्चित गोधरा कांड हुआ था, जिस वक्त उस दंगे में 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें अल्पसंख्यकों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, और आरोप तमाम तरह के उसके बाद से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर लगते रहे, क्योंकि उस वक्त वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद, जस्टिस नानावती मेहता कमीशन की जो ये रिपोर्ट है, ये कमेटी भी उसी वक्त, ये कमीशन भी उसी वक्त बनाया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, इस कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद अब ये साफ हो गया है और सार्वजनिक हो गया है कि गुजरात दंगों में और गोधरा कांड में मोदी सर, जो उस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार थी गुजरात में, उनकी सरकार के किसी का भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, क्लीन चिट दी गई है नरेंद्र मोदी, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार को। हाँ, लेकिन अहमदाबाद दंगों के लिए इस रिपोर्ट में पुलिस को जरूर कसूरवार ठहराया गया है और ये कहा गया है कि पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई, अहमदाबाद की पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई, अहमदाबाद की पुलिस ने जल्दी में काम नहीं किया और दंगों को रोकने के लिए जितना प्रयास अहमदाबाद की पुलिस कर सकती थी उसने नहीं किया, और इसी वजह से पुलिस के ऊपर कार्रवाई करने की भी सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट को, पूरी सरकार को, इस रिपोर्ट में, नानावटी मेहता कमीशन की रिपोर्ट में, फाइनल रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई है, किसी भी तरीके से दोषी नहीं पाया गया है। साफ तौर से ये कहा गया है कि सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि दंगे रोके जाएं, हालांकि इनके पास पुलिस की कमी थी, जो पुलिस वाले थे उनके पास हथियारों की कमी थी, जिसकी वजह से दंगे को रोकने में उस वक्त की गुजरात सरकार निष्प्रभावी रही और बहुत ही दंगों को रोकने में सफल नहीं हो पाए। लेकिन अहमदाबाद पुलिस पर सवाल उठाए गए हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर थी और आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि 17 साल के बाद 2002 में जो दंगे हुए, जो गोधरा कांड हुआ, उसके 17 साल के बाद उसकी फाइनल रिपोर्ट गुजरात दंगों की आज विधानसभा में पेश कर दी गई है और अब ये सार्वजनिक हो चुका है
कि गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार का, गुजरात में उनकी सरकार का कोई हाथ नहीं था। धन्यवाद।